रायबरेली शहर में। राष्ट्रवादी और कांग्रेस की युति पूरे स्टेट लेवल पे चल रही है। ऊपर से जो डायरेक्शन है, जो निर्णय है, कहीं ना कहीं लोकसभा हो कि विधानसभा हो, दोनों इलेक्शन में जो है राष्ट्रवादी और कांग्रेस की युति है। आने वाला जो चुनाव है उसके ऊपर हमारी अभी पार्टी की जो मेन जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी अभी मीटिंग नहीं हुई हमारी, वो आज रात में मीटिंग होने वाली है। उसके बाद पदाधिकारियों से चर्चा होने के बाद निर्णय लेंगे हमको क्या करना है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा में बराबर जो है कांग्रेस के उम्मीदवार ये राष्ट्रवादी की पूरी हेल्प और ताकत लेने के लिए आते हैं, और जैसे ही जो है विधानसभा लोकसभा खत्म हो जाता है तो फिर ये कॉरपोरेशन के चुनाव में इंग्लिश बात करते हैं। तो ये जो इंग्लिश बात करते हैं कॉरपोरेशन के चुनाव में, तो इनको कैसे हिंदी करवाना है बात, वो भी हमको सोचना है। इसलिए हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारी, जितने हमारी पार्टी के उम्मीदवार जो जो चुनाव लड़े हैं, सारे लोगों की हमारी मीटिंग है। मीटिंग लेने के बाद हम अपना निर्णय लेंगे क्या करना है। राष्ट्रवादी पार्टी 2017 का चुनाव लड़ी, जितने भी कॉरपोरेटर हमारे चुनाव मैदान में थे, लगभग देखा जाए तो 4 वोटों की गिनती अगर करेंगे तो 93,000 वोट हमको मिला है। अगर आप सिंगल वोटों से गिनती करेंगे तो हमको 33,000-34,000 वोट जो है तकरीबन पूरे हर वार्ड में मिले हैं। सिंगल की काउंटिंग से 33,000-34,000 होते हैं और चारों कैंडिडेट के हिसाब से जोड़ेंगे तो 93,000। तो वो निर्णय लेंगे हमारी पार्टी की मीटिंग होने के बाद। हमारे पदाधिकारियों से भी समझना पड़ेगा, जो हमारे उम्मीदवार थे उनसे भी समझना पड़ेगा कि हमको क्या स्टेप लेना है। ठीक है सर, आपके निर्णय का इंतजार रहेगा। लेकिन कल से एक भिवंडी शहर में हामाहामी फैली हुई है। कांग्रेस के कुछ 32 नगर सेवकों ने अचानक जो है वो कांग्रेस के ही क्या कहते हैं कि उम्मीदवार का वो कर दिया है, विरोध कर दिया। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि ये टिकट कैंसिल होकर दूसरों को मिलना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि टिकट डिक्लेयर होने के पहले बारादरी होटल में एक मीटिंग लगी थी कि पैराशूट का जो उम्मीदवार है वो नहीं चलेगा, जो पार्टी का पदाधिकारी है, जो सालों साल कांग्रेस में काम किया है, उनको ये लोग टिकट देने वाले थे। सुरेश टावरे को टिकट डिक्लेयर होने के बाद फिर वही पैराशूट वाले खुद पैराशूट पहन के थाने के टिप टॉप प्लाजा में जाके बैठते हैं, और कुछ एक दो दलाल टाइप के लोग हैं जो विलास के पाले हुए और दलवी के पाले हुए लोग हैं, जो उसकी ही तोते के जैसा उनको सिखाया जाता है। बिल्कुल वो तोता, जो तोता को सिखाया जाता है बिल्कुल उसी तरीके से वो गाते रहते हैं। तो दलवी का भी मैंने देखा है कहीं ना कहीं बयान, जो इस शहर का महापौर, ये कहते हैं कि हमने ठहराव कर दिया है, हमने ये कर दिया है, हमने वो कर दिया है, पार्टी ने। जो तोता थाना में बैठ के अपनी उम्मीदवार के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा है, ऐसे शहर के महापौर और उनके जिला अध्यक्ष को शर्म आनी चाहिए, जो इस तरीके से यहाँ की आवाम और जनता के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। 3,300 की 4,100, मैंने तो सुना 41 नगर सेवकों ने मीटिंग लिया था, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने मीडिया वालों को बता रहे हैं कि टिकट हमारी पार्टी को मिला, हमारे उम्मीदवार सुरेश टावरे को मिला, तो पटाखा बीजेपी वाले बजा रहे। अरे पटाखा बजाने की दम नहीं थी क्या? पूरे शहर में तुमको 47 नगर सेवक दिया है, 47 के 47 नगर सेवक पूरे वार्ड में, पूरे शहर में पटाखा बजाना चाहिए था ना कि तुमको जो प्रथम महापौर यहां पर रहा है, जो प्रथम खासदार रहा है, उसको टिकट दिया गया है। कोई अननोन पर्सन को, किसी को अमरनाथ या किसी को इगतपुरी वाले को टिकट नहीं दिया गया है। जो शहर का वासी है उसको जवाबदारी दी गई है और उनको जवाबदारी को मान्य करना चाहिए था। उन्होंने जाके वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। तो ये जो है, मैं तो यही समझूंगा, ये किसी के पाले हुए चमचे और जो इनसे ये सब करवा रहे हैं वो बखूबी जो है सब जानते हैं, पूरा शहर जानता है। अगर ये इतने ही ताकतवर हैं, 41-47 में से 41 लोग जाके वहां विरोध दर्ज करा रहे हैं, तो इनमें से क्यों नहीं कोई खड़ा होकर खासदार बन जाता जो जाके दूसरे की कैसेट बजा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की दलाली कर रहे हैं, बीजेपी से इन्होंने कुछ तो भी सुपारी ले रखी है जो ये दूसरे का नाम रिकमेंड कर रहे हैं कि ये उम्मीदवार का नाम कट करो और वो उम्मीदवार को दो। तो मैं तो ऐसे लोगों को पूरे के पूरे, जो लोग इसके विरोध में चल रहे हैं, मैं इनके खिलाफ हूं, और जो कुछ इनकी पार्टी ने निर्णय किया
ये अपनी पार्टी के निर्णय के फैसले के खिलाफ जा रहे हैं और भिवंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस ना रख के ये थाना में रख रहे हैं, मतलब इनको भिवंडी के पत्रकारों से भी नफरत है और यहाँ की जनता जो चुनेगी वो जनता का नुमाइंदा होता है खासदार, और इसमें कोई नगर सेवक वगैरह के डायरेक्शन पे कोई वोट वोट नहीं देता है खासदार आमदार में, ये डायरेक्ट जनता तय करती है। तो ये सिर्फ अपना जेब भरने के लिए, अपने पॉकेट भरने के लिए, पैसों का बड़ा डिमांड रखने के लिए अपने ही लीडर का, अपने लीडर को ब्लैकमेल कर रहे हैं और उसको ब्लैकमेल करके एक बड़ा अमाउंट निकालना चाहते हैं, जो 25,000 रुपए में लेटर देके ये शिवसेना के उम्मीदवार का नाम रिकमेंड कर सकते हैं, वो पूरे शहर को भेज देंगे जिनके ऊपर ये जनता भरोसा करती है। अरे ये जनता फैसला करेगी आने वाले चुनाव में, आने वाले वक्त में, कि हमको इस शहर से कौन सा खासदार भेजना है, कौन सा आमदार भेजना है। तुम 41 लोग अलग होके क्या ये शहर के लोगों का वोटिंग का करने का सिस्टम बदल दोगे, या तुम जो है ये सब विरोध जो कर रहे हो ये क्या पब्लिक के हक के या पब्लिक के फैसले फैसला है, या पब्लिक ने कहा था कि आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस लो, हमको ये उम्मीदवार नहीं चलेगा। तो ये सिर्फ दलाली का काम है और ये दलाली कर रहे हैं किसी के डायरेक्शन पे। मुझे तो लगता है ये बीजेपी के पाले हुए दलाल है और ये हमेशा बीजेपी की दलाली करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कहा गया कि अगर सुरेश टावरे को टिकट दिया गया तो हम अपने पद से राजीनामा देंगे, क्या ये नगर सेवक पद से राजीनामा दे सकते हैं? अरे ये नालायक लोग हैं, ये क्या राजीनामा देंगे, इनका बाप भी राजीनामा नहीं देगा, इनकी इतनी अंदर दम नहीं है। अगर इन्होंने एक भी राजीनामा देके बताए तो मैं समझ जाऊंगा कि एक बाप की औलाद है ये, देके बताए ये राजीनामा।